टेन साइंस का सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है और मैं अब आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन से होने वाले प्रोडक्ट को बताइए। CaCO3 + 2HCl, तो CaCO3 के एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? सीधा सीधा इसका आंसर है कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद, आंट स्टिंग को किससे ट्रीट कर सकते हैं, यानी कैसे हम उससे सही हो सकते हैं? विच विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द केमिकल इंजेक्टेड बाय द आंट स्टिंग। जब आंट ने आपको काटा तो उसके बाद में क्या है, उसने कुछ इंजेक्ट किया आपकी बॉडी में, तो उसको आप कैसे सही करेंगे? इन टू अवर स्किन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दैट द करेक्ट आंसर इज बेकिंग सोडा। क्योंकि आंट स्टिंग क्या है, एक एसिडिक है और इसको हम बेस के बेस यूज करेंगे जो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बेकिंग सोडा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म, इनमें से जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसको बताना है। NH4OH प्लस H2SO4, तो सीधा सीधा आपका रिएक्शन होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। दिस इज द फ्रॉम NCERT क्वेश्चन, ये NCERT की रिएक्शन है, इसी को डायरेक्ट पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक सॉल्यूशन देगा व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे। तो देखो NaCl तो हो नहीं सकता क्योंकि NaCl तो क्या है, सॉल्ट ही है। अब बचा हमारा पहला, तो NH4Cl, NH4Cl क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक, देखो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब पहले जमाना था तब क्या था कि कुओं में इसको डालते थे, जिससे क्या होता था जर्म फ्री करने के लिए, आज भी यूज होता है। तो क्या है, मेक द वाटर टेस्टर, टेस्ट करने के लिए, नो रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाटर, तो डर्ट के लिए तो कोई यूज ही नहीं है इसका, मेक वाटर जर्म फ्री, तो जर्म फ्री बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP को दर्शाता है? CaSO4.2H2O, CaSO4.5H2O, CaSO4.H2O, CaSO4.1O, ये क्या है पता नहीं क्या लिखा है। तो देखिए, आप देखिए कि आपको आपको डायरेक्ट पता है कि CaSO4.5H2O इज द करेक्ट आंसर फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको इनमें से किसको यूज करना पड़ेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, इसमें से हम क्या मिला दें पानी में कि एल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाए? तो पहला है पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, तो लास्ट के जो तीनों हैं बी सी एंड डी वो इसका ऑप्शन नहीं है, पोटेशियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। कि देखो हमें करना क्या है, हमको एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाना है, ये सब एसिडिक के लिए है, एल्कलाइन क्या है बेसिक है, तो बेसिक इज द, बेसिक बनाने के लिए क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट इज द बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल व्हेन हीटेड स्ट्रॉन्गली, जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हम हीट करते हैं लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव हो जाता है, गिव एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एकॉम्पनीड बाय ए चेंज इन द कलर फ्रॉम, उसका कलर किस रूप से चेंज होगा, ब्लू टू ग्रीन होगा, ब्लू टू व्हाइट होगा, ब्लू टू स्काई ब्लू होगा, ब्लू टू ग्रे होगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू टू व्हाइट, ब्लू टू व्हाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका ये वीडियो खत्म हो गया और आपका सेकेंड चैप्टर है ये, और आप क्या कर सकते हैं कि पहले चैप्टर को जाकर के देख सकते हैं, पहले चैप्टर के MCQs पूरे अपलोड कर दिए गए हैं और थर्ड चैप्टर के MCQ आज डाल दिए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट 10th के एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरीके की वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे, जिससे आपका क्या है वेटेज बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आप क्या है क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे।